किसी को नहीं दिखाई है। नहीं मेरा मतलब हमने फिल्म किसी को भी नहीं दिखाई। हम चाहेंगे अगर ऐसा प्लेटफॉर्म हो जाए जहाँ सोनिया जी, मोदी जी, अरुण केजरीवाल जी, राहुल जी और अमित शाह जी सब मिलके एक ही हॉल में बैठ के अगर फिल्म देखें, हम चाहेंगे ऐसा माहौल बन जाए। कोई भी फिल्म देखे जाए, हमारी देखे, किसी की भी देखे। होता था ना ऐसा, होता था पहले मतलब अपोजिशन वाले लोग आपस में मिलके बैठते थे, डिस्कशन करते थे, ऐसा होता था ना, कि ऐसा माहौल और बन जाए तो अच्छी बात है। नहीं नहीं हम तो विश कर रहे हैं। और आगे अभी कल परसों से स्क्रीनिंग्स करना शुरू की है एंड टच वुड अच्छा है रिस्पॉन्स। एक्चुअली जो ये लोग पूछ रहे हैं कि आप क्यों गए मिलने के लिए पॉलिटिशियन से, क्योंकि ये एक तरह से एक्सटेंशन है हमारी फिल्म का, जो हमारी फिल्म बात कर रही है उसका एक्सटेंशन है। क्योंकि फिल्म में आप इतना लंबा डिस्कशन नहीं दिखा सकते हैं, फिल्म एक कहानी होती है, उसमें एक मुद्दे को आप छू सकते हैं, उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं इमोशनली, लेकिन ये सब बातें नहीं हो सकती हैं। तो ये सब बातें जो फिल्म करते वक्त और उसके पहले और उसके आसपास जो आपके सवाल उठते हैं, तो हमें लगा कि ये इस फिल्म की कहानी को एक्सटेंड करना होगा, तो हमने वही किया। क्योंकि कोई है ही नहीं और इस फिल्म के अंदर। और क्या होता है कि आप इस फिल्म में थोड़ा सा ये है कि आपकी ओपिनियन मैटर कर रही है, बाकी पहले जो भी फिल्म करते हैं उसमें और भी लोग होते हैं और टीम जो है उसको पूछते हैं हम कि ये ऐसा क्यों करें, बोलते हैं कि इसलिए करो, तो हमारा एतराज़ होता है तो भी नहीं माना जाता, जो बोलते हैं हम करते रहते हैं। इस फिल्म के अंदर क्योंकि ये हमारी फिल्म है, इसमें हम भी पार्ट प्रोड्यूसर हैं, तो कई बार कुछ चीज़ें हम बोलते हैं कि नहीं यार ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो, तो कुछ ओपिनियन मैटर कर रही है हमारी, तो इसलिए शायद स्केयर्ड। ओह दैट्स अ ह्यूज थ्रेट, दैट्स अ बिगेस्ट थ्रेट, हॉलीवुड से बड़ा थ्रेट जो है पायरेसी का है, और ये ऑनलाइन जिस तरह से लीक हो रहा है, आई विश इंडस्ट्री, ऑल द इंडस्ट्री ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ऑफ डिफरेंट रीजन्स कैन कम टुगेदर एंड पुट काइंड ऑफ आस्क द गवर्नमेंट दैट वी नीड इट टू स्टॉप। या प्रोड्यूसर्स को बोल रखा है कि भाई आप केयरफुल रहिए, तो रहे ले रहे, कुछ होते हैं प्रिकॉशन होते हैं, लेकिन कितना वर्क करते हैं मुझे पता नहीं उसकी टेक्निकलिटी। आई एम रियली थैंकफुल एंड मेरी फिल्म जो है कबाली के साथ भी रिलीज हो रही है, उसके लिए मैं बहुत ऑनर्ड हूँ। मुझे लगता है कि जब मैंने दोनों पोस्टर एक साथ देखे, रजनीकांत जी का और मेरा एक साथ लगा हुआ, तो मुझे लगा कि रजनीकांत जी मेरी फिल्म का आशीर्वाद दे रहे हैं, और मेरे लिए इससे अच्छी खुशी की कोई बात नहीं है कि मेरा ही पोस्टर लगाओ, रजनीकांत साहब का ही पोस्टर लगाओ। आई थिंक इससे बड़ी ब्लेसिंग मेरे लिए नहीं हुई। हाँ मेरी मैडम, मतलब मेरी मैडम कौन? हाँ क्या आपको क्या लगता है कि मुझे सुबह उठ के कच्चा पहनाती है, ये पैंट पहनाती है, बोलती है कि मेरे बाल ऐसे करो टेढ़े करो? ये तो ऐसे ही है, बैठे लोग हम तो बैठे लोग हैं, हम बदलते रहते हैं। मदारी तुमने क्यों नहीं देखी? मैं इनसे बोलने जाऊँ तुम्हें भय रहा है, देर आप ही देख लेते, आपको क्या चल जाती है, मैं कब दिखाऊँ आपको फिर? ओके नहीं नहीं आपको हम वैसे ही बुलाएंगे, आपकी स्क्रीनिंग करवाएंगे। आपको कैसी लगी मदारी फिल्म, बताइए? प्रोड्यूसर उनसे क्या पूछ रहे हैं, तारीफ भी करेंगी यार। ये पर्टिकुलरली ये स्क्रीनिंग आज जो थी मेरे लिए बहुत मेरी हिम्मत बढ़ाई है। शाहरुख साहब आए, उनकी अभिजी आए, संजाज साहब, सब लोगों ने आके मतलब मुझे लग रहा है कि मेरे को पर्सनल लोगों ने फेवर किया है एंड इतना ऑनेस्ट लोगों का रिएक्शन था, आई एम फीलिंग रिलीफ। मुझे लग रहा है कि मेरा जो इतना सालों की मेहनत थी वो कुछ ना कुछ सा मुझे थोड़ा फल मिला। मैं रियली सबके लिए मैं बहुत एहसान मंद हूँ, बहुत उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दिल से। अभी तो शुरुआत है, ये
पूछ ये रहे हैं कि आप क्या स्टाइलिश हो जा रहे हैं, आप ये जो बना रहे हैं आपकी बीवी सुबह बैठ के आपको मतलब चट्टी वट्टी पेंट पेंट आगे करना पूछा जा रहा है। स्टाइलिश होने में बुराई तो नहीं है ना, कोई मैं बचपन से स्टाइलिश हुआ है। होमी सर के साथ मैं एक छोटा रोल कर रहा हूँ लेकिन मेरा मेरी इच्छा है आप लोगों को फिल्म बनाने और ये इच्छा मेरी कल बहुत जानी है बहुत बोलूँ क्योंकि आप लोग इस तरह से काम करते हो और जितना आप लोगों का प्रेशर होता है। मैं कल एक बच्ची आई थी जो 11:30 बजे आई, मीडिया खत्म हो गया था, 9:30 बजे सबने फोटो वोटो ले लिए थे, वो बच्ची भी करीब उसको बाइक चाहिए थी, वो 11:30 बजे आई और मैं उस वक्त थोड़ा कुछ और घूमने था और वो जिस तरह से मुझसे आग्रह कर रही थी कुछ भी दे दीजिए आप कुछ लाइन भी दे दीजिए, मुझे उसकी मजबूरी दिखी ना, मुझे लगता है इसमें फिल्म चुकी हुई और अगर कुछ और ना बनाया तो मैं जरूर बनाऊंगा आपको आप फिल्म करूँगा। हाँ ये भी थी एक और थी, मुझे याद है एक बार मैं जब इंजीनियर जूली के साथ फोन कर रहा था तो किसी बच्ची का पूरा से फोन आया और वो टाइम्स में कुछ डिपार्टमेंट काम करते थे और मैंने जल्दबाजी में बोल दिया कि मुझे उतना तमीज है नहीं कि किसको हाँ बोलना किसको ना बोलना, मैंने कहा दे दूंगा। 4 दिन बाद मेरा फोन आया एंड वो लिटरली थका बहुत कर रही है, आपको बोला था मुझे करने के लिए आपको मुझे नहीं दिया इंटरव्यू, धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि आपका प्रेशर होता है वो उसको कहानी है बनाएगी कभी आएगा तो बताऊंगा मेरे भाई। इन्फर्नो आने वाली है अक्टूबर में, पहले वो देखिए उसको हजम करिए उसके बाद नया सक्सेसफुल एंड शी वहाँ जो है जहाँ झंडे गाड़े वैसे हॉलीवुड में भी झंडे गाड़े। थैंक यू सो मच फॉर मोर न्यूज एंड गॉसिप्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बॉलीवुड हेल्पलाइन।